सुसुम। तो अभी आपको हम जल नीति क्या क्या दिखाएंगे, इससे क्या क्या खत्म होने वाला है। कोरोना तो कभी आता ही नहीं, एक कोरोना पता नहीं कहां से बना दिया। ये सारे मूर्ख लोगों ने ऐसी ऐसी बीमारियां बना के रखी। और केवल आज देखो आपको बता के जा रहा हूँ, गांव में मैं सब जगह जाके बोलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी फिर मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं। हाँ मोदी जी को तो आप अच्छा भी बताते हो, फिर ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा मोदी आज भी गुलाम भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसके? आप कहोगे जी भारत किसका गुलाम है, वास्तव में पूरी आजादी नहीं है। आज भी भारत देश विदेशी WHO का और WTO का गुलाम है। हमने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर ब्लैक मनी के लिए आंदोलन किया और ये सरकार ला करके बैठाई, लेकिन अभी भी ऐसी संधियों में फंसा हुआ है कि कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बन भी गया और ब्लैक मनी की बात भी कर ली तो मरवा डालेंगे। इतनी इंटरनेशनल साजिशें होती है, पता भी नहीं चलेगा, मोदी का प्लान आकाश में गायब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इतनी खतरनाक स्थिति है। WTO के माध्यम से हमारे भारत के पैसे को विदेश में दबा के रखा हुआ है। हेल्थ योजनाएं कहां बनती हैं? जेएनयू में, जिनेवा में, WHO में, और वहां बनके बीमारी हमको हो और इलाज वो देंगे दवाई, और वो किस रेट पर देंगे वो तो शुक्र समझो। मोदी जी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन भी हमने बना ली। अरे जब तुम वैक्सीन बना सकते हो तो हम नहीं बना सकते? स्वदेशी वैक्सीन भारत को लग रही है, नहीं तो कह रहे थे 5,000 रुपए की वैक्सीन बेचेंगे। बताओ कितनी लूट मस्ती। तो एलोपैथी दवाई भी भारत में बन रही है। आज लोगों का एलोपैथी पे विश्वास ज्यादा होता है। आयुर्वेदिक दवाई तो बाबा रामदेव ने कहा कि हम 500 रुपए में कोरोनिल दे रहे हैं, 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक चलेगी। दो दो गोली खाओगे तो 15 दिन चलेगी, और एक एक गोली खाओगे तो 1 महीने चलेगी। और मत भी खाओ, घर में लौंग काली मिर्च गिलोय और अश्वगंधा आदि का चूर्ण बना के घर में काढ़ा बना के पी लो। तो ये समाधान दिया हमने, लोगों ने कहा ये तो बेकार है। फिर वैक्सीन लेकर के आए, और वैक्सीन एलोपैथी है वो लगाई जा रही है, लेकिन उसका भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन लगने के बाद भी कह रहे हैं कि फिर लॉकडाउन लगाओ। अरे भाई क्या घर क्या रहे हो, सबकी अकल पे ताले पड़े हुए हैं, क्योंकि बुद्धि किसी में बची नहीं है। ऋषियों का ज्ञान साइंटिफिक है। हमारे ऋषियों ने पहले ही कहा कि शरीर को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि बाहर से कोई चुड़ैल आ भी जाए तो कोई बिगाड़ ना सके, कोई भूत प्रेत आ भी जाए तो आपका कुछ बिगाड़ ना सके। तो कोरोना क्या है, ये वही तो भूत बना के भेजा है विदेशी लोगों ने। तो इन सब बातों से हम बचेंगे। मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहेंगे। धन्यवाद स्वामी जी का। आज इस वार्षिक उत्सव का ये अंतिम सत्र है। हमारे स्वामी जी ने बहुत ही तन्मयता से आप सबों को योग की शिक्षा दी है, और आप सबों का कर्तव्य है कि स्वामी जी के आज्ञा का पालन करना। आपको जो सिखाए हैं वह अपने घर में जाकर निरंतर जितना समय मिले, 15 मिनट मिले तो 15 मिनट, लेकिन इसको अभ्यास में डालना। निरंतर या सत्कारा सभी तो दृढ़ भूमि, निरंतर अभ्यास करेंगे तब जाकर योग का संस्कार आपके अंदर आएगा। एक दिन का नहीं, निरंतर 15 मिनट ही करें, 10 मिनट ही करें, लेकिन प्रत्येक दिन और समय पर करें। अगर 6 बजे करते तो 6 बजे ही बैठ जाइए सब काम निवृत्त करके, और अपने साथ अपने बच्चों को भी रखिए, क्योंकि आप अपने साथ बच्चे रखेंगे तो बच्चे का भी मानसिक स्थिति मजबूत होगा, उसकी पढ़ाई में तन्मयता आएगी, एकाग्रता आएगा। इसीलिए बहनें भी है, बहने को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग बहुत कारगर है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम जो है ना वो बुद्धि के प्रमाणों को वो बड़ा करता है, बृहद करता है, बढ़ाता है बुद्धि के प्रमाणों को। तो जितने भी भाई हैं बहने हैं वो योग से जुड़े, योग से जुड़ेंगे तो आपके सारे, देखिए आर्य समाज के जो नियम है, एक नियम है छठा नियम, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। पहले क्या आया है? शारीरिक, शारीरिक उन्नति कीजिए, फिर
शारीरिक उन्नति करेंगे तो फिर आत्मिक, फिर सामाजिक उन्नति कर पाएंगे। अगर आपका शरीर रोग युक्त है तो आप अपना उन्नति भी नहीं कर सकेंगे, आत्मा का अवनति होगा। जब आत्मा का अवनति हो जाएगा तो फिर समाज का अवनति हो जाएगा। इसीलिए आप योग से जुड़े। तो मैं एक संदेश देने जा रहा हूँ। स्वामी जी अभी नेति करेंगे, आप सब बहुत ध्यान पूर्वक आप करेंगे। इससे आपके नजला जो होता है ना, साइनस, इसका पीनस बढ़ जाता है। ये पीनस, नजला, साइनस जितने भी है, श्वास रोग है, वो आपको इस नेति से, जल नेति से आप निजात पाएंगे। मैं तो कई पेशेंट को ठीक किया हूँ ये इस नेति से, क्योंकि मैं अपने गांव में, मधुबनी जिला मेरा गांव है राजनगर, मैं प्राकृतिक योग चिकित्सक भी हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा से ही मैं रोगों का इलाज करता हूँ और साथ में आयुर्वेद का सम्मिश्रण करके रोग ठीक करता हूँ। तो हमारे स्वामी जी आप सबों को बहुत बहुत चीज संदेश देकर जा रहे हैं, जाएंगे, और आप इनको अभी थोड़ा सा ठीक से देखिए। आगे आ जाइए, ध्यान पूर्वक देखिए, सीखना है, ये विद्या है। जो सीखने की इच्छुक है वो बहुत तन्मयता से ध्यान देंगे एक एक चीज पर, वो कैसे कैसे इनकी जो शरीर की संरचना रचना करते हैं शरीर की, वो ध्यान पूर्वक देंगे। मौन होकर सीखिए। देखो ये एक बीकर है, क्या है, और इसमें ये इस तरह का होता है कि इसमें आगे गोल गोल बना होता है। यह बाजार अपने उधर ये गाजियाबाद में एक भाई ये बनाता है, एक छोटा भी आता है वो 20 रुपए का भी मिल जाता है। तो यहाँ जब बहुत ज़्यादा आप लोगों को आवश्यकता होगी तो हम ज़्यादा मात्रा में भिजवा देंगे, हो सके समस्तीपुर में ये ना मिले, हो सकता है वैसे मिल जाना चाहिए। अब इसमें आप जल लेंगे, क्या लेंगे, जल गुनगुना होना चाहिए इतना कि उसमें जले ना। अब जैसे मैंने हाथ डाला है तो जल नहीं रहा इसमें, यदि आप शैंपू उस नासिका से इसको लगाना है ऐसे, और थोड़ा मुंह खोल के और ऐसे रखना है। ये देख पा रहे हैं आप, इधर से पानी गया था, इस नासिका से निकला, ये पूरा मस्तिष्क में घूम के आ रहा है। मैं अभी बता रहा था ना आपको, जब मस्तिष्क के रोग होते हैं तो व्यक्ति उल्टी सीधी हरकत करता है और फिर लोग कह देते हैं इसके ऊपर भूत आ गई। तो ये भूत उतार, ऐसे तो हमने इतना योग किया कि अंदर कुछ था ही, क्लीन है एकदम, लेकिन बहुत लोगों का जाम रहता है, इसमें से बहुत उल्टा सीधा निकलता है गंदा गंदा, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना। और जब ये आपका दिमाग साफ हो जाएगा तो आप अच्छा सोच सकते हैं, नहीं तो लोगों की सोच। ये करने के बाद में अब ये रबड़ देती है, अब थोड़ा बहुत बचा होगा तो इससे निकालेंगे, जितना जल ने काम किया उतना जल करेगा, और बाकी अब ये, अब इसको नाक में डालना है। अब कैसे डालेंगे,
ये नाक में नकेल डालने का काम करते हैं। और देखो आंखों से भी जो बीमारी होती है, आंखों की बीमारी भी, कल वो बहन आई थी वो बता रही थी कि आंखें सूज जाती हैं। तो जिनकी आंखों में समस्या होती है, कानों की समस्या होती है, कोई भी समस्या होती है, जल और रबड़ नीति करने से खत्म हो जाता। ये करने से आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, चश्मा नहीं आएगा कभी। आपने किसी ऋषि मुनि को देखा अपने फोटो में चश्मा लगाए? और आज जिसको देखो, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा। जल नीति के बाद थोड़ा सा कपाल भाती करने की इसमें विधान है। कपाल भाती करने से आपके मस्तिष्क में पानी ना आ जाए, इसके लिए कपाल भाती कर लेते हैं। अब थोड़ा उसको तेजी से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो सब क्लीन हो जाता है, तो सारा जुखाम भाग जाता होगा क्या? ऐसे ही जल नीति, फिर वमन क्या कराते हैं, बमन धोती होता है, हाँ, पूरा पानी पिला के और बाहर निकाल देते। आप जानते होंगे उसको, तो मुझे करने की जरूरत नहीं, ये करके दिखाऊं बमन को। चलो दिखा देते हैं। ये बमन धोती जो है ना, ये पित्त की जो थैली होती है ना, जहाँ पर पित्त बनता है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इनको ये पूरा रिफाइन कर देता है ये बमन धोती। और आंत में जाने के बाद जितने भी आंत है ना, आंत की पूर्ण रूप से प्रक्षालन हो जाता है, उसको आंत प्रक्षालन भी बोलते हैं। शंख प्रक्षालन वो इसी का नाम है, इसको बमन धोती भी बोलते हैं। अब ये लगभग मैंने थोड़ा पीछा हो जाएगा, कभी छेड़ चली जाएगा। अब ये पानी अंदर गया और अंदर की सफाई करके बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ क्या आता है पता है? आप ऐसा ऐसा ना करें, ये विज्ञान है। आपके आंत के अंदर जितने भी पित्त है ना, वो सब पित्त इसी के साथ निकलता है। और बिना औषधि के आप अपने आंत को स्वस्थ कर सकते, इसमें एक रुपया की जरूरत नहीं है। पानी गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा सुषुम संध्या नमक डाल के, और इच्छा भर पानी पीजिए, खूब इच्छा भर। और इसमें क्या है, पेट को थोड़ा सा आप आकुंचन करें, या नहीं तो बायां हाथ का दो उंगली आप लाकर आप उल्टी करें। जितने भी पानी पिए हैं, वो पानी सारा का सारा उसमें से बाहर आ जाना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। तो इससे आपके अंतरियों का पूरा सफाई हो जाता है। ये बमन धोती, ये पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही यह इलाज है, इसको पंचकर्म बोलते हैं। जब शरीर पूर्ण रूप से रोग से जीर्ण हो जाता है, जब बचने की कोई उपाय मिलता है, तो अंतिम चरण में रोगी प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेता है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी नैसर्गिक चिकित्सा है
जो आपको बिना औषधि के शरीर का शुद्धिकरण करवाया जाता है। अब ये गोरखपुर जैसे योग संस्थान है वहां प्राकृतिक चिकित्सा है और उसमें बहुत सारे अभी स्वामी रामदेव जी ने भी योग ग्राम बना लिए हैं, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा दूर विदेशों से लोग आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा कराने के लिए। तो स्वामी जी ने आपको घर में आकर दो तीन विधि आपको बता दिए हैं, आप सब इसको करें तो आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। ये सब क्रियाएं हमने आपको बताई है, एसिडिटी की समस्या, पेट गैस की समस्या, खांसी जुकाम नजला, आप अपने घर में रह करके अपने आप को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। और ये सब सिखाने का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, फ्री। आप जो भी इसकी ट्रेनिंग लेना चाहें उन सबको फ्री ट्रेनिंग मिलेगा। तो आओ एक भजन के साथ इस कार्यक्रम को आज हम यही विराम देंगे और योग का कार्यक्रम आज हमारा यही खत्म होता है। जिन भाइयों को ये योग विद्या सीखनी है वो हमसे सीखेंगे और उनको फिर हम योग में सर्टिफिकेट भी देंगे। ये योग में MA MSc डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, पहले अपने को स्वस्थ करना है और फिर पूरे देश को हमें स्वस्थ करना है। योग का डॉक्टर हमें बनना है, वैद्य बनना है। आप वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको सब हम बताएंगे कि कैसे आपको काम करना है, ठीक है। भजन के साथ हेलो ओम 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 ओम। हाँ, और एक पुस्तक भी है आपके पास में, योग भगाए ओम रोग, वो पुस्तक भी लेंगे, उसकी स्टडी भी करेंगे, वहां से भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ओम 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 मंजिल तुम्हें पुकारे।
चलते चलो मुसाफिर इंसाफ के आओ। थोड़ा सा शांति पाठ कर लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे।